mahefel. एक विचारधारा वाले लोग जहां इकट्ठे होते हैं उसको महफिल कहते हैं। दस प्रकार की महफिल होती है, दस क्लास है महफिल के। तीन क्लास तो माया के क्षेत्र में है और सात क्लास दिव्य क्षेत्र में है। एक तो होती है तमोगुणी महफिल, शराबी कबाबियों की। मैखाने में आप लोगों ने शायद देखा हो, गुंडों की। और एक महफिल होती है रजोगुणी, वो तो आप लोग जानते ही हैं, अनुभव करते हैं। माँ बाप बेटा स्त्री पति का प्यार और परिवार का शादी ब्याह, ये सब महफिल जो होती है रजोगुणी है। और एक महफिल होती है स्वर्ग की, वो सत्वगुणी महफिल कहलाती है। उस सत्वगुणी महफिल में आत्मा का आनंद मिलता है लेकिन माया के अंडर में रहता है। अशांति, टेंशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह वहां भी है। तो ये तीन एरिया, तीन महफिल तो माया के क्षेत्र में है। एक से एक श्रेष्ठ अमोगुणी से श्रेष्ठ रजोगुणी, रजोगुणी से श्रेष्ठ सत्वगुणी। इन महफिलों में तो आप लोग अनंत बार जा चुके, करोड़ बार, लाख बार नहीं, अनंत बार स्वर्ग जा चुके, अनंत बार मृत्युलोक में इन महफिलों में अनुभव किया, लेकिन पिछला अनुभव भूल जाता है। और जन्म की जाने दो, इसी जन्म में और एक दिन में आप भूल जाते हैं अनुभव को। जैसे आपने आज सवेरे नाश्ते में रसगुल्ला खाया और हमने फिर 12 बजे दिन को पूछा रसगुल्ला कैसा था, वो तो याद नहीं। फिर खाने की इच्छा हो गई। अगर वो याद होता तो जैसे 4 रसगुल्ला खाने के बाद रसगुल्ला से नफरत हो गई थी, अब नहीं खाएंगे, ऐसे ही 12 बजे भी होता, शाम को भी ऐसे होता, दूसरे दिन भी ध्यान कर लेते, रसगुल्ला जो खाया था परसों वो जैसा चौथा रसगुल्ला लगा वैसे ही अनुभव हो जा, तो बार बार खाना न पड़ता। इसी प्रकार माँ का प्यार, बाप का प्यार, बीबी का प्यार, पति का प्यार, संसार का, सब ऐसे ही भूल जाता। फिर उसे की इच्छा होती, फिर और जन्मों की क्या याद रहेगी, किसी जन्म का स्मरण नहीं रहता। वो इन तीनों महफिलों में हम लोग अनंत बार जा चुके, अनुभव कर चुके। कभी वो महफिल अच्छी लगती है, कभी कॉमन लगती है, कभी खराब। वही माँ, वही बाप, वही भाई, वही बीबी है। कभी बहुत अच्छी लगती है वो चीज, कभी कम अच्छी लगती है, और कभी नॉर्मल लगती है, और कभी खराब।
ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ मिली, ऐसी बीबी मिली, ये भी भावना होती है। अब चलिए ईश्वरीय क्षेत्र में, दिव्यानंद, असली आनंद, वो पहला है ब्रह्मानंद, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। वो अनलिमिटेड है, अनंत मात्रा का आनंद है और सदा को मिलता है, उसके ऊपर दुख कभी हावी नहीं हो सकता। इन तीन सुखों में तो उससे बड़ा सुख मिला वो खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मानंद भगवान का आनंद है, इसलिए अनंत मात्रा का है और सदा के लिए है। लेकिन एक रस रहता है, एक रस, जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो सोने का जो सुख मिलता है बिना सपना देखे, तो वह एक सा होता है, उसमें कोई हलचल परिवर्तन एक से एक बढ़ के ऐसा कुछ नहीं, शून्य अवस्था, उसको निर्विकल्प कहते हैं, संकल्प विकल्प रहित, वो ब्रह्मानंद है। उससे ऊंचा सुख वैकुंठ में, ये सगुण साकार भगवान की महफिल है, वहां चार भुजा वाले नारायण रहते हैं, उनके भक्त रहते हैं, चार प्रकार की जो मुक्ति चाहते हैं, सार्ष्ट सामीप्य सालोक सारोप्य, ये चारों मुक्ति वाले भी वैकुंठ में रहते हैं, शांत भाव के उपासक भी वैकुंठ में रहते हैं। उससे ऊंचा द्वारिका का रस है, ये श्री कृष्ण का रस है, लेकिन ऐश्वर्य अधिक है और माधुर्य कम है। तो माधुर्य में अधिक रस होता है, ऐश्वर्य में दूरी हो जाती है। तो द्वारिका का रस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, वो महफिल, उससे श्रेष्ठ महफिल है मथुरा, यहां ऐश्वर्य और कम है और माधुर्य अधिक है, ये मथुरा का रस। और उससे अधिक श्रेष्ठ रस महफिल वृंदावन, यहां ऐश्वर्य है ही नहीं, केवल माधुर्य, यहां केवल चार भाव वाले रहते हैं, वे स्वामी हम दास, वो भगवान हम जीव, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता, वे स्वामी हम दास। जैसे संसार में कोई किसी का नौकरी करता है तो वो उसका नौकर है, वो उसका स्वामी है, बस इतने से मतलब है। इससे ऊंचा सख्त भाव है, वो हमारा सखा है, बराबर का लंगोटिया यार जिसे आप लोग कहते हैं, वहां और नजदीकी हो गई। उस महफिल में घोड़ा बनाते हैं ठाकुर जी को सखा लोग, वो रस और अधिक, उससे बड़ा रस बात्सल्य भाव का, यशोदा मैया का रस, नंद बाबा का रस, नंद बाबा के खड़ाऊं को ठाकुर जी सिर पर रख कर ले जाते हैं बाबा के पास। जब बाबा कहते हैं बेटा खड़ाऊ लाना, तो खड़ाऊ को लेकर अपने सिर पर रख कर ले जाते,
और बाबा ये नहीं सोचते भगवान हो क्या हमारा कड़ाऊ सिर पे रख के, वो बेटा मानते, वहां ऐश्वर्य है ही नहीं। और अगर कभी आ गया बूढ़े से, जैसे एक बार सखाओं ने शिकायत की मैया से, ये मिट्टी खाता है लाला चोरी चोरी, और ठाकुर जी को डाटा माने बांधा और कहा सच बता, तो ठाकुर जी झूठ बोल गए, सफेद झूठ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवानंबो, मैंने मां मिट्टी नहीं खाई। ये सब कह रहे हैं सखा लोग, और तेरा भैया भी कह रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं भैया। हाँ वही हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। अरे मैया तू नहीं मानती तो मेरा मुंह देख ले, मेरा मुंह खोल के देख ले, मिट्टी लगी होगी अगर खाया होगा तो। ये ठाकुर जी ने इसलिए कहा कि मैया को विश्वास हो जाए, इतने जोर देकर कह रहा है इसका मतलब नहीं खाया। तो मैया कह खाए कोई बात नहीं, सखा लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैया बड़ी चालाक, वो कहती है यद देवम तर्रि व्यादे ही, तो खोल मुंह खोल। अब ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिया और सोचने लगे मुंह खोलू तो मिट्टी दिखेगी और पिटूंगा, और नहीं खोलू तो और भी पक्का हो गया, इसीलिए नहीं खोल रहा है, मिट्टी खाया है। कुछ समझ में नहीं आया ठाकुर जी के, और मैया के हाथ में सांटी थी, उसी का ध्यान करते जा रहे थे, सांटी पड़ने वाली है, अब मैं जल्दी क्या करूं क्या करूं। इतने में योग माया ने, ऐश्वर्य शक्ति ने ठाकुर जी का तो मुंह खुल गया डर के मारे, बोला नहीं, डंडे का ध्यान करके मुंह खुल गया, लेकिन उसमें ऐश्वर्य शक्ति घुस गई और उसने अनंत ब्रह्मांड दिखा दिया, मैया को डरा दिया। अब मैया का डंडा हाथ से छूट गया, मैया कांपने लगी और आंख बंद कर लिया मैया ने, तो व्यतरो मोहिनी मायाम पुत्र स्नेह मयीम, ठाकुर जी ने मोहिनी माया का प्रयोग कर दिया तो मैया भूल गई। मैया को डाउट हुआ कि ये भगवान भगवान कुछ है, मैं इसको बेटा मानती हूं, अपराध कर रही हूं। ठाकुर जी ने कहा सब गुड़ गोबर हो गया, ये हमको भगवान मान लेगी तो बस अब तो बातें खत्म हो जाएगी। हम जिस लिए आए थे मैया को सुख देने कि हमारी आरती उतारेगी, तो ठाकुर जी ने मोहिनी माया का प्रयोग कर दिया तो मैया भूल गई, अब आंख खोला है कुछ तो नहीं है इसके मुंह में, मेरा ही कोई गड़बड़ है। यानी ऐश्वर्य शक्ति चोरी चोरी सेवा करती है ठाकुर जी की, वो उनकी परमिशन नहीं है, वृंदावन में तुम नहीं आना, लेकिन फिर भी स्वामी की सेवा चोरी चोरी करती है, दास का धर्म है। हमारे स्वामी पिट जाए मृत्यु लोक में तो फिर मुझे धिक्कार है, इसलिए ऐश्वर्य शक्ति वृंदावन में जीरो, माधुर्य माधुर्य है। वृंदावन के रस में भी दो रस है, उससे भी ऊंचा रस है कुंज रस, और सबसे ऊंचा रस है निकुंज रस। इतनी महफिल है, एक और है क्लास, लेकिन वो महफिल नहीं लगती वहां,
केवल राधा कृष्ण रहते हैं उसको कहते हैं निभृत निकुंज, उसमें सखियां वखियां कोई नहीं जा सकता, केवल राधा कृष्ण रहते हैं, वहां कोई जीव नहीं जा सकता, निकुंज रस तक जीव जा सकता है। जो निष्काम भाव से प्यार करता है, माधुर्य भाव वाला, वो निकुंज रस तक जा सकता है। यानी जो प्रियतम के सुख के लिए ही चिंतन मनन वर्क सब करता है, वो निकुंज रस तक पहुंच जाता है। माधुर्य भाव वाला उसको समर्था रति कहते हैं। तो ये 10 प्रकार की महफिल है, तो ये निकुंज रस की महफिल के लिए कह रहा है, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं। Go!
राधे नाम मुरली वहां गावत राधे नाम मुरली जयति राधे जयति जय खोजत गहवर गलीना बिरहा खोजत गहवर गलीना बिरहा पल आते जयति जय कल नहीं पल जयति राधे जयति जय राकहि गिरत धरणी है
सुरक्षित गिरत धरणी है मूरछित मुख कही साक नाधे जयति जय मुख कही साक नाधे जयति जय जयति राधे जयति जय मोहि कृपालु सखी मानु आपनी मोहि कृपालु सखी मानु आपनी राधे जयति जय
जयति राधे जयति जय मोहि कृपालु सखी मानु आपनी मोहि कृपालु सखी मानु गाते जयति जय प्रेम प्रेम सुधा गा जयति जय जयति जय जयति जयति राधे जयति जय जयति जय जयति जय